ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति हा आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह के करेन उद्घाटन। पंचायत मनला प्रोत्साहित करे बर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दीन। भारतीय सेना में भर्ती बर ऑनलाइन परीक्षा आज ले शुरू। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हा मुख्यमंत्री सचिवालय के निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया के जमानत याचिका मामला में पूरा करें सुनवाई। कोर्ट हा फैसला ला सुरक्षित रखे है। आप समाचार विस्तार ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हा आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह के उद्घाटन करें। ये मौका में उमन हा पंचायत मनला प्रोत्साहित करे पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दीन। कार्यक्रम में राष्ट्रपति हा किहिन की गांव हा पूरा भारत के विकास के बुनियादी इकाई है और सबले पहली गांव मनला विकसित करे के जरूरत है। उमन किहिन की ग्रामीण मनला अपन गांव ला अपन सुविधा के अनुसार विकसित करे के अधिकार होना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आज रायपुर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र पर 117 करोड़ 61 लाख रूपया ले ज्यादा के आने आने विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करें। श्री बघेल हा 50 करोड़ रूपया के लागत ले रायपुर शहर में 5 ठन सड़क के सौंदर्यीकरण काम के शिलान्यास करें। इमा जीई रोड, वीआईपी रोड, बलौदा बाजार रोड, स्टेशन रोड और पचपढ़ी नाका रोड के सौंदर्यीकरण करे जाही। उहे मुख्यमंत्री हा 10 करोड़ रूपया के लागत ले कलेक्ट्रेट मल्टीलेवल पार्किंग में 500 सीटर बीपीओ सेंटर के आधारशिला राखिन। ए मौका में उमनहा किहिन की एकर स्थापना ले रायपुर के युवा मन बर उन्नत और आधुनिक सुविधा के माध्यम ले रोजगार के नवा रास्ता खुलही। एकर ले कॉल सेंटर, कस्टमर सपोर्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग, डाटा एंट्री, टेक्निकल सपोर्ट, बैंक एंड ऑफिस फ्रंट वर्क, सोशल मीडिया हैंडलिंग और डाटा एनालिसिस जैसन आउटसोर्सिंग व्यवसाय ले युवा मनहा जुड़ सकी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हा रायपुर शहर पर 84 ठन नवा सफाई गाड़ी के लोकार्पण करें। भारतीय सेना में भर्ती पर ऑनलाइन परीक्षा आज ले शुरू हो गये है। ये परीक्षा 26 अप्रैल तक चलही और हर दिन तीन पाली में होगी। उम्मीदवार मन हा अपन प्रवेश पत्र भारतीय सेना के वेबसाइट ले डाउनलोड कर सकत हैं। राज्य में ऑनलाइन परीक्षा पर तीन ठन केन्द्र रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में बनाएगी हवे। भिलाई के सिरसा कला के पार्थिव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, बिलासपुर के बोंडरी के लक्ष्मीचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और रायपुर के सरोना के पार्थिवी प्रो प्रोवाइन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ला परीक्षा केंद्र बनाए गए हवे। ए बच्छर हज यात्रा पर चुने गए आवेदक मनला यात्रा के दूसरा किश्त 24 अप्रैल तक जमा करना होही। ये जानकारी राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान हा दीन है। ओमन बतायें कि दूसरा किश्त के राशि जमा करे की प्रक्रिया आज ले शुरू हो गये है। ए बारे में और ज्यादा जानकारी पर रायपुर के राज्य हज कमेटी ले संपर्क करे जा सकत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ला चिट्ठी लिख के छत्तीसगढ़ विधानसभा में पाछू बछर दिसंबर महीना में राज्य के आने आने वर्ग के लोगन ला जनसंख्या के आधार में आरक्षण देबर पारित आरक्षण के संशोधित प्रावधान ला संविधान के नौवा सूची में शामिल करे के आग्रह करिन है। खबर के मुताबिक राज्य विधानसभा में पारित आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जाति ला 13, अनुसूचित जनजाति ला 32, अन्य पिछड़ा वर्ग ला 27 और ईडब्ल्यूएस ला 4% आरक्षण दी जाए के प्रावधान करिन है। मुख्यमंत्री हा चिट्ठी में लिखे हैं कि राज्य के विशेष परिस्थिति ला ध्यान में राखत आरक्षण के संशोधित प्रावधान ला नौवा सूची में शामिल कराए जाए ले ही वंचित और पिछड़ा वर्ग के लोगन ला न्याय मिल सकही। छत्तीसगढ़ समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमर वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ह मुख्यमंत्री सचिवालय के निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया के जमानत याचिका मामला में आज सुनवाई ला पूरा करें। कोर्ट हा अपन फैसला ला सुरक्षित रखे है। मामला में सौम्या चौरसिया डहले अदालत में अधिवक्ता कपिल सिब्बल और हर्षवर्धन परगहनिया हा पैरवी करें। बेमेतरा जिला के बिरनपुर गांव में पाछो दिन में दू जन के हत्या के मामला में पुलिस हा 8 जन आरोपी मनला गिरफ्तार करे है। जिला के पुलिस अधीक्षक आई कल्याण एलएसएला हा आज एक ठन प्रेस वार्ता में ये बात के जानकारी दिन। जैसे कि खबर दे जा चुके है कि पाछो 2 अप्रैल के दू जन लोगन के शव मिले रही से। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र ले लापता युवक के शव हा आज गोल्हापारा में मिले है। बताया जात हवे कि मृतक शत्रुघ्न साहू हा भारतीय जनता पार्टी ले जुड़े रहिस और ओ हा चिल्फी के पूर्व सरपंच रहिस। मृतक के सिर में धारदार हथियार ले वार करे गए है। पुलिस हा आशंका जताये है कि कोनो औ जगह में हत्या करे के बाद शव ला सड़क के किनारे फेंक देगी। पुलिस हा मामला की जांच शुरू कर दे है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के नौवां दीक्षांत समारोह काली 18 अप्रैल के होही। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन करही। उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रही। दीक्षांत समारोह पर विशिष्ट अतिथि कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे होही। समारोह में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक डॉ त्रिलोकचंद महापात्रा दीक्षांत उद्बोधन दीही। दीक्षांत समारोह में बछर 2015-16 ले बछर 2021-22 तक करीबन 6000 विद्यार्थी मनला डिग्री दे जाही। समारोह के दौरान 62 स्वर्ण 140 रजत और 23 ठन कांस्य पदक दे जाही। रायपुर के चंद्रखुरी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण लेवत उप पुलिस अधीक्षक मन के 12वां सत्र के दीक्षांत परेड समारोह काली 18 अप्रैल के आयोजित करे जाही। समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होही। ये मौका में मुख्यमंत्री हा राज्य पुलिस अकादमी परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा के अनावरण और नवा बने बैरक के लोकार्पण करही। राजनांदगांव जिला के कोहका के तीर आज बिहनिया बस और ट्रैक्टर के बीच हुए भिड़ंत ले बस ड्राइवर और कंडक्टर के मौत हो गए और दूसर 4 जन घायल हो गए हवे। महासमुंद जिला में कुडार काष्ठागार तीर घलो पाछू रतिहा बस और ट्रैक्टर के बीच हुए टक्कर ले 7 जन मनखे घायल हो गए हवे। सक्ती जिला के दतौद गांव में नहाए के दौरान तालाब में डूबे ले 9 बच्चर के एक जन लड़का के मौत हो गए। उन्हें जांजगीर चांपा जिला के नरियरा गांव में घलो तालाब में डूबे ले 12 बच्चर के एक जन लड़का के मौत हो गए। जांजगीर चांपा जिला में नवागढ़ क्षेत्र के भटली गांव के एनिकट तीर पिकनिक मनाए बर गए एक जन लड़का जंगली सुअर के हमला में गंभीर रूप ले घायल हो गए हवे। सक्ती जिला के बाराद्वार रेलवे स्टेशन में खड़े मालगाड़ी ले चावल चोरी करे के मामला में रेलवे पुलिस हा 7 जन आरोपी मनला गिरफ्तार करे है। जांजगीर चांपा जिला के बमनीडीह में विधिक जागरूकता शिविर के आयोजन करेगी। और दुर्ग जिला में पुलगांव थाना क्षेत्र में अवैया चंद्रखुरी के एक निजी राइस मिल में लगे आगीला करीबन 6 घंटा बाद बुझाया जा सकिस। ये मिल में रतिहा कुन आगी लगे रहिस। करीबन 15 ठन आग बुझाए वाले गाड़ी के मदद ले आज बिहनिया आग में काबू पाए जा सकिस। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। राष्ट्रपति हा आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह के करें उद्घाटन। पंचायत मनला प्रोत्साहित करे बर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिन। भारतीय सेना में भर्ती बर ऑनलाइन परीक्षा आज ले शुरू। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय हा मुख्यमंत्री सचिवालय के निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया के जमानत याचिका मामला में पूरा करें सुनवाई। कोर्ट हा फैसला ला सुरक्षित रखे है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहें सिरावत है। जय जोहार।